तो भाइयों आज हमारे पास टाटा पंच एंड इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल रिव्यू करने वाले हैं इस कार का एंड ये एडवेंचर मॉडल रहने वाला है कार का जो कि वैल्यू फॉर मनी आप कह सकते हैं वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट ये रहने वाला है। तो कंप्लीट डिटेल रिव्यू करने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। सबसे पहले कार के प्राइस के बारे में बता दूं तो इस कार के प्राइस रखे गए हैं 6.90 लाख रुपीज एक्स शोरूम प्राइस एंड ये कार ऑन रोड आते आते ऑफ कोर्स आपको 8 लाख के समथिंग पड़ जाएगी। बाकी कार अभी मेनली बात कर लेता हूँ कार के इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो इस कार के अंदर मिलता है 1.2 लीटर का रेल्वोट्रॉन 3 सिलेंडर वाला पेट्रोल इंजन जो कि 87 bhp की पावर जनरेट करता है एंड 115 nm का टॉर्क जनरेट करने में इस कार का इंजन सक्षम है। ये सेम इंजन है एज टाटा की अल्ट्रोज वाला 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, बट वो कार हमें डीजल में भी अवेलेबल देखने को मिल जाती है, बट यहाँ पर कोई भी डीजल ऑप्शन अवेलेबल नहीं रहने वाले हैं। ये कार सिर्फ हमें पेट्रोल इंजन के साथ ही अवेलेबल देखने को मिल जाएगी। कार के अंदर हमें ऑटोमेटिक एंड मैनुअल दोनों ही ट्रांसमिशन ऑप्शंस के साथ ये अवेलेबल देखने को मिल जाएगी। बाकी बात करूं कार के माइलेज के बारे में तो कंपनी क्लेम करती है 16 से 17 के आसपास का माइलेज, बट हाईवेज पर ये कार हमें 19 से 20 तक का माइलेज भी इजीली निकाल कर दे देती है। बाकी गाइस अभी मेनली बात कर लेता हूं कार के एक्सटीरियर लुक के बारे में। तो एक्सटीरियर से देखने में कार काफ़ी बढ़िया है, पंची डिज़ाइन है, नाम भी पंच है। ओवरऑल सबसे पहले इसके फ्रंट लुक देखेंगे तो फ्रंट की साइड आपको DRL मिल जाती है जो कि हैलोजन के अंदर ही देखने को मिल जाती है। कंप्लीट हैलोजन का ही सेटअप रहने वाला है बेसिकली। इंडिकेटर की प्लेसिंग यहाँ पर है जो कि कम्प्लीटली आपको हैलोजन में ही देखने को मिल जाएगा। इधर की साइड आएंगे तो यहाँ पर आपको हैलोजन में हेडलैम्प मिल जाते हैं जिनकी थ्रो काफ़ी बढ़िया है। कॉर्नरिंग फंक्शन नहीं है बट इनकी थ्रो जो है काफ़ी बढ़िया है नाइट टाइम के हिसाब से भी। बाकी बीच की साइड आपको पियानो ब्लैक कलर की फिनिशिंग के साथ ये फ्रंट ग्रिल मिल जाती है। ये एयर इनटेक दिया गया है, अंदर की साइड जो हॉर्न की प्लेसिंग लगाई गई है, बट ये इतना बुरा भी नहीं लगता। ट्रायरो कट के डिज़ाइन के साथ दी गई है, टाटा का बड़ा वाला लोगो मिल जाता है। बाकी नीचे की साइड आपको ब्लैक कलर के बम्पर मिल जाता है कम्प्लीटली एंड स्किड प्लेट काइंड ऑफ का डिज़ाइन दिया हुआ है जो कि दिखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है। बाकी फॉग लैम्प आपको नहीं मिलते हैं इस मॉडल के अंदर, फॉग लैम्प चाहिए आपको अपर मॉडल मिल जाएंगे। प्रॉब्लम की प्लेसिंग मिल जाती है, आप कंपनी फिटेड ही लगवा सकते हैं। ओवरऑल फ्रंट से देखने में कार के जिस टाइप का लुक आने वाला है इसका, छोटी हैरियर वाला डिजाइन इसका ओवरऑल रहने वाला है। बाकी इधर की साइड आएंगे साइड की तरफ, तो साइड में देखते हैं। साइड की तरफ आते ही सबसे पहले आपको R15 inches के स्टील रिम्स मिल जाते हैं विद व्हील कैप एंड ये व्हील कैप आपको ब्लैक्ड आउट देखने को मिलते हैं। ब्लैक कलर की फिनिशिंग के साथ ये कम्प्लीट व्हील कैप रहने वाले हैं एंड स्टील रिम का साइज जो है R15 inches का है। फ्रंट साइड डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, रेयर साइड आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलेंगे एंड फेंडर पर इंडिकेटर नहीं है, क्लैडिंग्स वगैरह प्रॉपर दी गई हैं। बॉडी मोल्डिंग्स आपको ब्लैक कलर के साथ दी गई हैं। बाकी इधर की साइड आपको बॉडी कलर्ड ORVM मिल जाते हैं विद इंडिकेटर की प्लेसिंग मिल जाती है। इंडिकेटर की प्लेसिंग भी आपको यहीं पर ही मिल जाती है एंड ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल के साथ फंक्शन के साथ आते हैं एंड ऑटो फोल्डिंग के फंक्शन के साथ भी। बॉडी कलर्ड डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, बी पिलर एंड सी पिलर आपको ब्लैक्ड आउट देखने को मिल जाते हैं। ऊपर की साइड कोई रूफ रेल्स वगैरह मॉडल में नहीं आती है। बाकी पीछे की साइड का डोर हैंडल कुछ टाइप का है, यहाँ से आप ओपन करेंगे एंड पीछे वाले लुक बक की बात करेंगे तो ओवरऑल साइड से देखने में तो कार कुछ टाइप की है एंड पीछे से की बात करेंगे अभी। पीछे की साइड से भाई ये गेंडा वाले लुक है इसके एंड भाई गेंडा इसके ऊपर बना हुआ भी है। कंपनी को पता है कि भाई किस तरीके से यूज़ करने वाली है जनता इसे। बाकी भाई बढ़िया फैमिली कार है, आप पीछे से लुक देखेंगे सबसे पहले तो आपको पंच की बैजिंग मिल जाती है क्रोम बैजिस के साथ दिखती हुई है। कोई कैमरा वगैरह की प्लेसिंग यहाँ पर नहीं आती है, आप आफ्टर मार्केट या कंपनी फिटेड भी लगवा सकते हैं। दो पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं, हाई माउंटिंग स्टॉप लैंप मिल जाता है, कोई स्पॉइलर एक्स्ट्रा वाला नहीं लगाया हुआ है एंड इधर की साइड आपको हैलोजन में रिवर्स पार्किंग लैंप मिल जाते हैं। इंडिकेटर की प्लेसिंग यहाँ पर है, कम्प्लीटली हैलोजन का ही सेटअप रहने वाला है। ब्रेकिंग लाइट्स का सेटअप भी आपको हैलोजन में ही देखने को मिल जाता है। बाकी रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं यहाँ पर दोनों ही साइड एंड डिपार्चर एंगल काफ़ी बढ़िया है जिस वजह से इंडियन रोड के लिए परफेक्ट है एंड व्हील बेस वगैरह भी अच्छा है जिसकी वजह से अंदर अच्छा खासा स्पेस भी बन जाता है। टाटा टियागो के मामले में मैं कहूँगा कि इसके अंदर ज़्यादा स्पेस है। अल्ट्रोज वाला ही सेम इंजन मिल जाता है इसके अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया। सबसे बढ़िया बात है कि भाई ये कैसी भी रोड पर चल जाएगी। इसके टायर जो है R15 inches के टायर देखने को मिल जाते हैं। आप इसके अपर मॉडल लेंगे तो आपको R16 inches भी मिल जाएंगे अलॉय व्हील के साथ ही, जो कि दिखने में काफ़ी बढ़िया लगते हैं। बाकी आप आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं, कंपनी फिटेड भी अवेलेबल जरूर रहने वाले हैं। ऊपर की साइड आपको नॉर्मल वाला एंटीना मिल जाता है। ये है ओवरऑल कार के रियर लुक। बाकी गाइस मेनली भी बात कर लेता हूँ कार के बूट स्पेस के बारे में। यहाँ पर एक मैग्नेटिक टेलगेट बटन दिया हुआ है, उसके थ्रू आप इसे ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको पार्शियल ट्रे मिल जाती है एंड ये बूट स्पेस ओवरऑल रहने वाला है 366 लीटर का एंड यहाँ पर आपको अच्छा खासा डीप स्पेस मिल जाता है। 1 kg के ये हुक मिल जाते हैं एंड ये कंपार्टमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है कुछ टाइप का बॉटल होल्डर वगैरह। बाकी सबसे बढ़िया बात यहाँ पर जो लगी मुझे वो है यहाँ पर आपको प्रॉपर पंचर किट दी गई है एंड एक स्पेयर व्हील भी दिया गया है विद प्रॉपर फंक्शनिंग के साथ। ये टूल किट वगैरह भी दी गई है एंड इसके अंदर आप स्पेस सेवर में रखी गई है, मतलब कम्प्लीटली कुछ टाइप का ही मैकेनिज्म रहने वाला है। सेम टायर रहने वाला है, सेम टायर साइज ही R15 inches का ही स्टील रिम
एंड कोई भी व्हील कैप अगर आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं इसके लिए। अभी मेनली बात कर लेते हैं कार के इंटीरियर के बारे में। इंटीरियर की साइड आते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आपको डोर हैंडल्स के ऊपर ये ग्रे कलर की फिनिशिंग के साथ मिल जाती है। इसके ऊपर टेक्सचर यूज़ किया हुआ है, ये हार्ड प्लास्टिक है कम्प्लीटली मटेरियल, यहाँ पर कोई भी सॉफ्ट टचिंग मटेरियल का यहाँ पर यूज़ नहीं किया गया है। लॉक अनलॉक एंड इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल एंड ऑटो फोल्डिंग के फंक्शन के साथ ही ORVMs मिल जाते हैं, यहाँ से आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको ऑल फोर पावर विंडो मिल जाती हैं इस मॉडल के अंदर। ट्विटर्स की प्लेसिंग यहाँ पर है, स्पीकर की प्लेसिंग यहाँ पर है, बॉटल होल्डर, अम्ब्रेला होल्डर एंड मैगजीन होल्डर वगैरह प्रॉपर दिए गए हैं। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि कार काफ़ी ज़्यादा स्पीशियस कार है। बाकी इधर की साइड आएंगे तो यहाँ पर आपको इकोनॉमी मोड मिल जाता है, जिसकी वजह से आपको अच्छा खासा माइलेज मिल जाता है। आइडल स्टार्ट स्टॉप जैसे कि मैंने आपको बताया, ट्रैफिक के टाइम पर ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है। बाकी इसकी चाबी तो सिंपल वाली, एक सिंपल वाली मिलती है एंड एक आपको स्मार्ट की मिलती है। इसके ऊपर आपको लॉक अनलॉक एंड फॉलो मी हेडलैम्प के बटन मिल जाते हैं। बाकी स्टीयरिंग व्हील इसका कुछ टाइप का देखने को मिल जाता है, राउंड एलिमेंट के साथ देखने को मिल जाता है। काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, मैं कनकी उंगली से इसे जो है घुमा पा रहा हूँ पूरा, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। यहाँ पर आपको स्टीयरिंग व्हील माउंटेड कंट्रोल मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको छोटी सी इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिल जाती है जो कि टच पैनल नहीं है। 2D का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, जिसके अंदर हमें 4 स्पीकर देखने को मिल जाते हैं, जिनकी साउंड क्वालिटी जो है कम्प्लीटली बढ़िया ही देखने को मिलती है। हरमन गार्डन की ही कंपनी के साथ ही कोलेब्रेशन वाली ही ये इंफोटेनमेंट सिस्टम रहने वाला है, ये भी पहले से ही 2D का हो। एंड यहाँ पर आपको एसी वेंट मिल जाते हैं, इमरजेंसी लाइट का बटन आपको यहाँ पर मिल जाता है। एंड इधर की साइड आपको एसी वेंट मिल जाते हैं, जिनकी थ्रो भी काफ़ी बढ़िया डिसेंट रहने वाली है। डैशबोर्ड लेआउट इसका ग्रे एंड ब्लैक फिनिशिंग के साथ देखने को मिल जाता है। यहाँ पर टेक्सचर का यूज़ है, कम्प्लीटली हार्ड प्लास्टिक का ही मटेरियल यहाँ पर यूज़ किया गया है। यहाँ पर आपको कंट्रोल मिल जाते हैं, यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं एंड यहाँ से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। वॉल्यूम अप एंड डाउन एंड ट्रैक वगैरह म्यूजिक वगैरह को चेंज करना हो तो यहाँ से आप कर सकते हैं। एंड कनेक्टिविटी के आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, USB के थ्रू आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं अपने फ़ोन से। यहाँ पर आपको AC का कंट्रोल मिल जाता है, AC की फ्लो, एयर फ्लो एंड सभी कुछ आप कंट्रोल यहाँ से कर सकते हैं। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल इस मॉडल के अंदर नहीं मिलता है। इधर के साइड आपको स्पेस मिल जाता है, अपना फ़ोन वगैरह रख सकते हैं। ये 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिल जाता है एंड USB केबल कनेक्टिविटी के फीचर्स मिल जाते हैं। 5 स्पीड गियरबॉक्स का मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है, गियर लीवर कुछ टाइप का रहने वाला है। एंड नीचे की साइड आपको डेड पेडल मिल जाता है, जो कि काफ़ी राहत वाला फीचर है भाई, जब आप कहीं लॉन्ग राइड पर जाते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो जाता है एंड ये हर गाड़ी में होना चाहिए। और इधर की साइड आते हैं तो यहाँ पर आपको सिर्फ ब्रेक लीवर ही देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप चाबी वगैरह रख सकते हैं, चाबी आप यहाँ ही प्लेस करेंगे बाय द वे। ट्विन कप होल्डर्स मिल जाते हैं इधर की साइड, बाकी कुछ कंसोल मीटर इस टाइप का ही रहने वाला है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में बात करूं तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको डिजिटल प्लस एनालॉग में देखने को मिल जाता है। टैकोमीटर मिल जाता है एनालॉग में, एनालॉग में ही आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है। बीच की साइड जो MID शो हो रही है यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। इधर की साइड आप जो बटन देख रहे हैं यहाँ पर आपको सभी इन्फॉर्मेशन शो हो जाएंगी। यहाँ पर आपको फ्यूल की इन्फॉर्मेशन शो हो जाएंगी, फ्यूल गेज वगैरह का सिस्टम मिल जाता है, इंजन टेम्परेचर गेज मिल जाता है, ट्रिप ए ट्रिप बी की इन्फॉर्मेशन भी आपको यहीं पर ही शो हो जाती है, जो कि काफ़ी सारी मतलब डिसेंट इन्फॉर्मेशन शो हो जाती है, बेसिक से इन्फॉर्मेशन। बाकी ओवरऑल कुछ इस टाइप का ही रहने वाला है। ऊपर की साइड आपको जो IRVM है वो आपको मैनुअल में देखने को मिलेगा, मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ ही। एंड यहाँ पर आपको एक लैंप मिल जाता है हेलोजन के अंदर, यहाँ पर माइक की प्लेसिंग हो गई। एंड इधर की साइड आपको टिकट होल्डर मिल जाता है फ्रंट सीट की साइड, एंड फ्रंट सीट पैसेंजर साइड आपको मिरर भी मिल जाता है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। सनरूफ वगैरह तो आपको किसी भी मॉडल में नहीं मिलती है, उसके लिए आपको जो है टॉप मॉडल जो CNG का है उसमें आपको मिल जाएगी। बाकी बात करूँ सीट के कंफर्ट के बारे में तो सीट भी काफ़ी कंफर्टेबल ही रहने वाली है इस कार की, क्योंकि कार स्पीशियस है तो ऐसा नहीं लगता कि भरी भरी कार है या फिर कार के अंदर स्पेस कम है, तो इस वजह से कार जो है काफ़ी ज़्यादा रूमी वाली फील आने वाली है। एंड ये डैशबोर्ड इसका जो है काफ़ी ऊंचा लगता है, ऐसा लगता है किसी ऊंची गाड़ी में बैठे हों, तो इसलिए जो है अगर आपको छोटी गाड़ी में बड़ी SUV वाली फील चाहिए तो आप ये गाड़ी प्रिफर कर सकते हैं एंड इस बजट रेंज में आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। बाकी अभी रियर साइड के कंफर्ट के बारे में बात करेंगे तो डोर ओपनर आपको यहाँ मिलता है इसका, एंड डोर भी काफ़ी हैवी है इसका। यहाँ पर भी आपको हार्ड प्लास्टिक मटेरियल मिल जाता है, डुअल टेक्सचर के साथ देखने को मिल जाता है ये। एंड यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर मिल जाता है, अम्ब्रेला होल्डर वगैरह, स्पीकर की प्लेसिंग एंड ट्विटर की प्लेसिंग मिल जाती है। बाकी इंटीरियर का कैबिन काफ़ी साइलेंट है, बाहर काफ़ी ज़्यादा शोर है, इस वजह से यहाँ पर अंदर बैठ के जो है काफ़ी राहत मिल रही है। एंड हेडरूम काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मिल जाता है क्योंकि कार काफ़ी ज़्यादा ऊंची रहने वाली है। एंड पीछे की साइड कंफर्ट के बारे में बात करूँ तो अगली वाली सीट मैंने पूरी ही पीछे करने के बावजूद भी यहाँ पर आपको नी रूम डिसेंट इनफ बच रहा है मेरी हाइट के हिसाब से। मोटा आदमी बैठेगा तो शायद उसके लिए ना बचे, बट यहाँ पर जो है इजीली आराम से आपको बैठ सकते हैं। एंड अंडर थाई सपोर्ट अच्छा होने के कारण आप लॉन्ग राइड पर भी कहीं भी जा सकते हैं। हेडरूम भी अच्छा खासा है तो अच्छी हाइट वाला भी इंसान बैठ जाएगा। पीछे की साइड कोई भी रेयर AC वेंट वगैरह नहीं मिलते हैं, कोई पावर सॉकेट वगैरह यहाँ पर नहीं दिया गया है। पीछे की साइड बस
पार्सल ट्रे मिल जाती है। यहाँ पर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी नहीं मिलती है, आर्मरेस्ट भी नहीं मिलती है, बाकी सीट बेल्ट वगैरह यहाँ पर प्रॉपर देखने को मिल जाती हैं। हैंडल्स आपको सिंपल वाले मिलते हैं, कोई भी लैंप वगैरह भी पीछे की साइड नहीं रहने वाला है। बाकी गाइस ये टाटा पंच का मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट रहने वाला है। अगर आप भी कोई कार देख रहे हैं 7-8 लाख के बजट में, तो ये कार आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकती है, एंड पर्टिकुलरली ये मॉडल। इसके अंदर बेसिक फीचर तो सभी मिलते ही हैं, एंड थोड़े बहुत एडवांस फीचर भी हैं, एंड सेफ्टी के मामले में तो आपको पता ही है कि 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग अचीव की हुई है। तो अगर आप भी टाटा पंच लेने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आपका कोई दोस्त लेने के बारे में सोच रहा है, तो ये कार आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। एंड इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो कि टाटा पंच का कोई सा भी मॉडल लेने के बारे में सोच रहा है, उसके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। बाकी गाइस ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं लाता रहता हूँ, तो मेक श्योर आप चैनल से कनेक्टेड रहेगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।